आपका भाई विकास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, मैं आपको आज 2019 के साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया था पिछले ईयर। तो चलिए दोस्तों, बिना समय के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले ईयर तो 40 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया था, तो चलिए सभी सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो दोस्तों, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, 2n², ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो है ना फार्मूला होता है 2n². अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो दोस्तों, हीरा में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हीरा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, रुधिर कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर जो है प्लेटलेट्स है जो उसको रक्त स्त्राव रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है यानी चौथा प्रश्न है दोस्तों, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। तो दोस्तों, सुरंगम जो है कर्नाटक की राज्य संग्रह व्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। पाँचवा प्रश्न है दोस्तों, पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिब्रेलिन। छठा प्रश्न है दोस्तों, अतिवारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान होता है। तो दोस्तों, अतिवारण के समय धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग संक्षारण कहलाता है। जैसे एफ ही है, आप एक एग्जांपल समझ ले, इसमें ओ लगेगा तो एफ ही जो है ओथी होने लगेगा, यानी संक्षारण उसका होने लगेगा लोहा का, तो इसलिए संक्षारण कहलाता है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अवधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों, ब्रोमीन एक ऐसा अवधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रोमीन। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रोमीन। नौवां प्रश्न है दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कूलम। दसवां प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो दोस्तों, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल फसल क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फसल क्षेत्र। ग्यारहवां प्रश्न है दोस्तों, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। जैसे आप संयोजकता निकाल कर ये पता लगा सकते हैं, जैसे 2, 8 और लास्ट में 7 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7। बारहवां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। तो दोस्तों, निम्न में से पादप हार्मोन साइटोकाइन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साइटोकाइन। तेरहवां प्रश्न है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CaCO3। दोस्तों, अगला प्रश्न यानी चौदहवां प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र N2CO3 × 10H2O होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। पंद्रहवां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे तरल यौगिक है। तो दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीथेन है ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे तरल होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोलहवां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो दोस्तों, सबसे कम जो होता है Na यानी सोडियम का गलनांक इनमें से है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनमें से सबसे कम जो है गलनांक सोडियम का ही है। सत्रहवां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, क्योंकि उससे कुछ प्रदूषण होती है
जो आप धुआं जो पीछे से निकलता है उसके कारण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो 18वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों इसमें से सभी की फोकस दूरी धनात्मक हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, सभी की हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, जैसे अवतल दर्पण की नहीं भी हो सकती है। कारण है इसका कि आप जिस प्रकार से प्रतिबिंब रखे तो इसका निश्चित नहीं है। तो 19वां प्रश्न है दोस्तों, 19वां प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, सी पराबैंगनी किरण। दोस्तों पराबैंगनी किरण से ही पृथ्वी की रक्षा होती है। दोस्तों उम्मीद 20वां प्रश्न है दोस्तों, मेरुरज्जु निकलता है? तो दोस्तों ये अनुमस्तिष्क से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगले वीडियो में फिर आपको मैं वही 20 सॉल्व करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो और हम दे सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय, गुड लक।